अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें सुबह सुबह छली खा रही है। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। तो सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा है, रोटियाँ भी अम्मा ने तल दी हैं, साथ बाबा बाहर से नान ले आए थे और ये रात का सालन पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई ब्लॉग के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज इनके स्कूल की छुट्टी है, शहजादी भी घर पे बैठी हुई है, नाश्ता कर रही है। नाश्ते का टाइम है सुबह सुबह, तो सुबह तो नहीं है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। बाहर से नाश्ता मंगवाया है, दो रोटी मंगाई है, दूध भी हमारे पास कल जो है ना चाय दो तीन बार बना ली थी, चाय मंगाई, दूध मंगाया, चाय बनाई है और सालन गर्म किया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाते हैं जी खाना, नाश्ता करते हैं। ये देखें, ये साहब ने बस कर दिया, अभी भी हुसैन खा रहे हैं, खोल के खा नहीं, सॉरी मेरी मंजे एमे खा जी में प्यू दा माल हुंदे है। अच्छा वीडियो बोलता नहीं है। अच्छा जी, हुसैन ने हसन ने वीडियो शुरू करके हुसैन के बारे में बात की। हुसैन ने एक घूट चाय था फटफट पी के साइड पे हो गए, यूं करके बैठ गए। तो क्या हुआ, खा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, जब तक प्लेटों में सालन होता है तो खाना चाहिए, क्योंकि खाने का जाया तो नहीं करना चाहिए। ये बोलेगा, बोल आगे बोलेगा, अभी आगे बोल। मैं क्या आगे बोलूं, आप नाश्ता कर रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था ना, खाओ ना, खोल के खानी मेरी सोनी मंजे एमे खा जी में पीऊ दा माल हुंदे है। बाबे लेट आया था ना, मेरे पे पहले आप बैठे हुए थे, मैं हां ये बात सही है ना। नहीं जी, साइड रोटी भी खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, अभी तीन रोटियों के पीस पड़े हुए हैं, तीन रोटी के पीस की है, जो रोटी मंगवाई थी एक नान मान लेते वरना मैं दो खाए, पराठे नहीं बनाए। आजकल कोशिश यही होती है कि कम से कम नाश्ता किया जाए, बच्चों को भी और खुद भी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जो है ना खाऊं या ना खाऊं पता चल जाता है कि मेरे ना खाने से। हम बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करें, बच्चों का व्यू देख के बच्चों का भी जो है ना जी, बच्चे हमारे साथ वीडियो में बनाते हैं करते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, शेयर नहीं करें देखा करें, देखा करें तो शेयर करेंगे तभी व्यू आएंगे ना, लोग और देखेंगे जी, सपोर्ट करें हमें भी, इतने पहले सब्सक्राइबर उतने तो देखें वीडियो, उसके बाद हम क्या करें जना, नहीं करो हम क्या करें जी, हम अल्लाह ने हमें दिया ये घर, अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सुबह भी शाम भी रात भी दिन भी वीडियो में भी हर चीज़ पर बोलते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी नहीं कह सकते पुराने से कपड़े बना के बच्चों को चलें किसी जगह पे वीडियो बनाएं, नहीं जी, अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ हमारे पास है हम लोग दिखाते हैं आप लोगों के साथ, लाइफ में शेयर करते हैं, खाते हैं पीते हैं, चाहे मुर्गी है चाहे दाल है चाहे सब्ज़ी है कुछ भी है। तो जन्नत के बाबा की जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती, उनकी वजह से थोड़े से परेशान रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को देख के ज़्यादा ही वो बीमारी अपने उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने कोशिश यही की, हमने बोला भाई आप जो है ना सेट पे बैठ जाएं, आपकी सेहत ज़रूरी है, आप जो है ना बैठ जाएं, अल्लाह ने जो देना हुआ तो वो ज़रूर देगा। मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ी उम्मीदें हैं, तो उम्मीद तो नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, ये सब कुछ आप लोगों की मोहब्बत से है, ये हमें जो कुछ भी मिला हुआ है तो आप लोगों की मोहब्बत से मिला हुआ है। तो आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ कराची से मैं एक फ्रिज और एक बेड लेके आई थी जी, ये दो चीज़ें, थोड़ा सा कुछ सामान बर्तन वगैरह थे, तो ये अल्लाह ने अपने फजल से और अल्लाह ताला के शुक्र से हमें यही इसी बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा घर चल रहा है। दो दिन पहले मैं ये गई थी, मैं अभी बात लग गई है, मैं ये बोलूँ जन्नत के शूज़ लेने के लिए, तो मैंने बोला 30-35 हज़ार रुपये में घर चल रहा है, तो शूज़ जिससे लिए दुकान से वो भाई बोलता है बहन ये तो झूठे, आजकल 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये जो लेते हैं उसका घर नहीं चल रहा, आप बोलते 30-35 हज़ार। तो दूसरी बहन मेरे पास खड़ी हुई थी, कहती है क्या करें जिसके पास 30-35 हज़ार आता है वो भी गुजारा करते हैं, उनका भी टाइम गुजर ही जाता है। तो भाई, तो मैंने बोला हाँ जी बात तो ठीक है। तो वाकई में घर आई हूँ, तो मैंने बोला वाकई मुझे तो 30-35 हज़ार रुपया मिलता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से क्या पता मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे, मैं, मेरा शौहर, मेरी बेटी साफ कपड़े पहनते हैं, साफ खाना खाते हैं, आप लोगों के सामने ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि क्या पता हम लोगों के मुँह से जो हर बार टाइम निकल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को ये अल्फाज बहुत पसंद है कि मेरा शुक्र अदा करते हैं जिस साल में मैंने रखा हुआ है। तो बस थोड़ा सा इनके बाबा की वजह से, बीमारी की वजह से, तो उनको हमने को बोला क्योंकि काफ़ी इलाज करवा चुके हैं, काफ़ी कराची से भी डॉक्टर ने यही बोला था भाई आपको जो है ना बीमारी, अमीरों की बीमारी लग गई है, आप जो है गाँव आए थे तो अभी यहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर गए, तो अभी भी यही बात बोल रही है। तो मैंने बोला चलें फिर आप जो है ना साइड पे बैठे, इन चीज़ों की वजह से ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो अपने दिमाग पे ले लेते हैं, प्रेशर वगैरह उनको हो जाता है। तो मैंने बोला बच्चे भी मेरे साथ हैं, मैं भी हैं, हिम्मत करेंगे, हिम्मत तो नहीं आ रही,
तो आप लोग सपोर्ट करें मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मेरे बच्चों का भी दिल हौसला हो कि मेरे बच्चे कहें कि भाई हाँ हम लोग कर रहे हैं काम कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम नाश्ता किया है तो इंशाल्लाह अभी जो घर की और रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बर्तन तो बच्चे दोनों उठ के चलो बेटा आप बर्तन उठाओ दोनों मेरे साथ। वो रूटीन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 मिनट की वीडियो होगी। अच्छा जी ये देखें ये कर रही क्या है माँ के साथ, इसको बना जन्नत नहीं कर बेटा रसवे से सोनिया शादी वाली रात ना जो है जब दुल्हन बन के आई थी आप ऐसी लग रही थी कसम से जैसे पुराने ज़माने में हमारे जो होती थी ना मेकअप होते थे पुराने हमारे टाइम के, जो हमारी शादी हुई थी यकीन माने ऐसे ही मेकअप होते थे। ये देखें सोनिया कितनी प्यारी लग रही है, सुर्खी खराब हो रही है मेरी। हुसैन की दुल्हन को भी ऐसे ही मेकअप करवाएंगे, हुसैन जन्नत मेकअप करेगी। अच्छा जी मैंने इसकी कगे की है, हुसैन की मालिश कर रही थी इसकी मामा, हुसैन को नींद आई हुई है। नहीं मेरी बात सुने, मैंने इसको की है कंघी इसकी, मैंने इसको कपड़े पहनाए। बस करो नहीं उतरेगी जन्नत, उतरेगी भी नहीं खराब। और ये आपका पफ केस है अगर आगे आ गया, और इसको मेकअप लेके आइए। मैंने इसको बोला अंदर से खुश्की की क्रीम लाओ आपको लगाऊं, मैं सेल की मालिश कर रही थी वो मेरे मुंह पे क्या। अच्छा मैंने एक वीडियो में सोनिया की जो है ना शादी की तस्वीर शेयर की थी दुल्हन बनी हुई, उसमें भी सोनिया का मेकअप ऐसे ही था आप देखना, लेकिन ये उसमें थी कमज़ोर, इसमें ज़रा बड़ी है ना बड़ा सा मुंह है तो मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको चिंपैंजी पता नहीं क्या जन्नत मम्मा कैसी लग रही है तस्वीर खींच के मैं देखूं कैसी लग रही है। हाँ तस्वीर खींच के आज वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा, सारे देख लेंगे। चलें शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ, शादी है। चलें जी ये कराची वालों है जो हमारे रिश्तेदार वहाँ पे भी चल रहे है काम, निकाह वगैरह का मामला चल रहा है तो सोनिया तैयार हो गई है, सोनिया को अगर आए तो आप ले जा सकते हैं निकाह में शिरकत के लिए। चलो अभी ब्रश भी निकाल दिया, नहीं अभी सेट कर देगी। अच्छा मेकअप किया है, जन्नत को ब्यूटीशियन का कोर्स कराना चाहिए है ना जन्नत। अच्छा जी जन्नत की तरफ से मेकअप कंप्लीट हो गया है और जन्नत ने आखिर में सोनिया को ऐसा बना दिया वो जैसा नहीं है उसमें करेक्टर दिखाते वो जिस तरह कोई गरीब वो बनाते हैं जिस बनाते हैं या काला कर देते हैं या ये कह दूं जिस तरह वो बनाते हैं भीख मांगने वाले पिकर। असलियत तो यही है ना काली हो ना, मैं कोई गोरी तो नहीं हो गई, सही काली नजर आ रही हूँ क्या। नहीं मैं बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हूँ, मुझे तो काली नजर नहीं आ रही, बस थोड़ा सा जो है अगर मैं भी सही नहीं हुई तो मैं फिटकार मेरे से जन्नत हंस रही है। तो अम्मा ने जिनको पुलाव बनाया था अभी मैं पता नहीं क्या बुला रही है, जन्नत पीछे से दिखे दे रही है, क्या कर रही हो ये अभी अम्मा क्या बना रही है बताओ। अभी आपके लिए बेटा चाय बन रही है और जो है ना चलो हम बिस्कुट लाएं, बिस्कुट लाएं ना बिस्कुट लाएं, ऐसे बहुत है आपके पास चावल खाएं। दिन को बनाया है जिनके लिए पुलाव तो गाजर आलू और थोड़ी सी धनिया वगैरह ये सब कुछ था, मैंने काट के सब कुछ चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा दो बोटियाँ चिकन की थी वो भी फिर पानी डाला है, टमाटर प्याज सब कुछ डाल के मैंने इसके बीच में रख दिया है। इसकी करूँगी ये अच्छे तरीके से बनाई, उसे पीछे हो जाओ बेटा मेरे मुँह के बीच में क्यों गुस्सा पा गया मेरे मुँह के बीच में। तो मैंने बोला शाम के टाइम पर थोड़ा सा गैस हो जाता है तो शाम तो हो रही है क्योंकि असर की आसानी हो रही है, और चाय का फरमाइश किया इनके बाबा ने बारह बैठ के इनको चाय की बड़ी तलब होती है। अकी जी सर्दी हो रही है, सर्दी में दिल भी करता है चाय पीने को, मेरा खुद भी दिल कर रहा था। कल मेरा बेटा जो है ना बैठ के खाना खा रहा था तो जैसे ही उठा है मेरे घुटने के ऊपर उसने जोर दिया, आज मेरा घुटना इतना दर्द कर रहा है कि मेरे से चला भी नहीं जाता, मैं अपने आप को जो सीट सीट बैठ उठा नहीं था वो पाँव स्लिप हो गया था जी, वही ना बेड उठने लगा कि बैठने लगा था बैठ, हाँ बैठने लगा था जरा मैं अपने आप को चल के दिखाऊँ जी, मैं अभी मेरे घुटने में इतनी तकलीफ हो रही है यूँ करके चल रही हूँ इस तरह करके चल रही हूँ। अब आप तो माशा नहीं देखे मेरा, मेरे घुटने में तकलीफ हो रही है, अब मैं उठा ही नहीं सकती उस घुटने को, पहले ही मुझे इस घुटने के ऊपर चोट लगी हुई है, भारी हो गए बस ज़्यादा आ गया इसके ऊपर। तो रात को ऐसा करूँगी गर्म पट्टी की अच्छे तरीके से मालिश करके गर्म पट्टी बांधूंगी, तब हड्डी के ऊपर ना चोट लग रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा। आपने नहीं
जन्नत मेरे को उसको क्योंकि उसको कपड़े पहनाए थे तो पंखा चल रहा होता है तो दूसरे कपड़े पहने हुए थे गर्मियों के, तो मौसम अब ठंडा हो गया तो मैंने बोला ये ना हो कि सीना खराब हो जाए। और मैंने उसके कपड़े पहनाए हैं, उसकी कंघी की है, थोड़ा सा सर पे मालिश की है, तेल की लगाया क्योंकि खुश्की इतनी ज़्यादा थी, और सेम को भी मैंने तेल लगाया। मैंने बोला बेटा आपको भी तेल लगाऊं खुश्की। तो उसने फिर जो मेरे को मेकअप करना शुरू किया, मेरे को इतना काला बना दिया, इतना काला कि मेरे देखने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनें बोलेंगी सोनिया भाजी आप इतनी काली, या सोनिया इतनी काली तो नहीं हो जितना आपको उसने बना दिया। सर साड़ी पहनूँ हैं, शादी कराची में है, हमें किसी ने दावत नहीं दी, वहाँ मज़े कर रहे हैं, शादी इंजॉय कर रहे हैं, शादी बस सोनिया का तीन दिन से यही सोच और यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, एक मार्केट से वापस आ रही है, दूसरी जा रही है मार्केट, नहीं लाओ यार जन्नत वापस आ रही है, भाभी तीसरी भाभी जा रही है, अच्छा बहन जा रही है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, शॉपिंग और मैं होती आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करती, मैं भी कहीं मुझे भी मौका मिलता मैं भी जाती। कल पूरा दिन ये कल पूरा दिन मोबाइल में घुसी रही, बस यही पूछती रही, कभी एक से कभी मशवरे दे रही है। मैंने बोला सोनिया छोड़ो तुम्हें क्या है ऐसी तीसरी जगह, आपको कोई पूछ रही नहीं, आप बीच में नहीं नहीं आज सुबह में बाहर निकला हूँ, इसको फिर मौका मिल गया। नहीं मैंने आज पूछना था, मैंने बोला आप कहीं जाओगे, कहने लगी आज फिर मार्केट जाना है, हमने कुछ शॉपिंग वगैरह रहेगी ये वो करनी है, तो फिर ऐसी बात है फिर मुझे पूछना, कुछ वीडियो कॉल वगैरह करते हैं फिर कुछ भेजते हैं, फिर मैं देखती हूँ ना कैसी किसी शॉपिंग क्या की है। आपको क्या पता, आपको तो बस एक सूट चाहिए बस वो पहना दिया ले आए, आपकी कौन सी इतनी शॉपिंग होती है। बाबू पता है बाग दो बचे हैं, पापा को पता है बाग दो बचे हैं, बाबू में कर लेगा तैयारी। तो जूते ज्वेलरी ये चीज़ों के लिए बड़ी शॉपिंग होती हैं, तो मार्केटों में जाना हो फिर तो आपको पता है फिर ज़्यादा जो हमारी तो भाई इतनी ताकत नहीं है, बच्चों का मामला सादगी से करना है। हाँ दो तीन उससे बड़ा खुश खाना खिलाऊंगा, वो एक अच्छा काम है, वलीमा करेंगे। अच्छा वलीमा करेंगे, हाँ वलीमा करूँगा, लेकिन वो भी आलों शालों वाला काम नहीं, अपने जो अजीजों कारे मल्लेदार जो दोस्त यार हैं उनको बुला के आराम से सुकून से रोटी खिलाऊंगा, जिस तरह पहले खिलाते थे, जिस तरह हमारी हुई थी चावल और मीठे चावल। अच्छा ये कोरमा चलो कोरमा कर बिरयानी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा रोटी में खिला दूंगा, बाकी ये कि मैं हाल बुक करके वहाँ पे वो मेरी नहीं जी। अच्छा जी ये मेरी बातें तो करते हैं ना, तो शादी की वहाँ पे जो बात वगैरह होती है तो कहते हैं कि मेरे जो जितने भी हुए ना शादियाँ भी अटेंड की हुई हैं सब कराची में हैं, तो मेरी तो यहाँ मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेरे दो चार घर पड़ोस वाले हैं वो है, वो जीज रिश्तेदार तो मेरे यहाँ हैं ही कोई नहीं है, मेरे तो ये भी खर्चा बच गया। तो मेरी अम्मी कहती है नहीं हम लोग जो है ना आपको कराची ले बुलाएंगे, वहीं भी अपने बच्चों की शादी उन्हीं में करना कि जहाँ पर आप लोगों ने लोगों की शादियों में गए हो आप लोगों का वहाँ पर करना है, तो कहते हैं नहीं मेरा तो अब यहाँ पर खर्चा ही नहीं है, अब तो वहीं करना पड़ेगा कराची में, कोई बात नहीं। हाँ पे भी हुआ मेरा तो वाकई नहीं यहाँ खर्चा कोई नहीं है, मैं एक तो बीमारी के करके आया, दूसरा अब जो है ना बीमारी का मामला तो चलो वो तो वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ काम में खैर अल्लाह का शुक्र है वैसा मामला नहीं है, लेकिन इंसान जो है ना मुस्तकबिल के पीछे सारी ज़िंदगी भागता रहता है, वो सेट नहीं होता, मर जाता है तो काबे की तरफ करके लोग बोलते हैं आप सेट है, सेट आदमी तभी होता है, वो एक हमारे लिए सबक भी है कि सेट आदमी तभी होता है जब काबे की तरफ मुंह कर लेता है, तो वैसे हम लोग वैसे ही भागते रहते हैं, अभी भी समझ लो हम लोग यहाँ से पता नहीं, अभी बात तो यही है कि हमारे को ज़ाती तौर पर परेशानी भी माशी मामलात की है ना, तो वो मामला जो है हम लोग रोज़ रोज वो करते हुए भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारे माशी मामलात चलते रहें, अजाने हो रही हैं असर की, तो फिर बाद में जो इंशाल्लाह कोई भी बात भी शेयर करेंगे। चलें जी अभी हसन भाई भूनने लग गए हैं, अम्मा ने बोले अम्मा जरा चाय पी ली, तो हसन भाई अभी सो के उठे, हसन भाई को कहा ये काम करने का, तो मैं तो चाय पी रहा था, मेरे को बाबा ने बोला दिखाओ हसन भाई को, सही है मुझे कहा मैं चाय पीने लगी थी, जन्नत को चाय पिलाई है क्योंकि वो ट्यूशन जा रही है, तो हसन मेरे बेटे ने माशाल्लाह से की है जिसकी बनाई है, देखे माशाल्लाह से, अभी इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ क्या मैंने बनाया है, और माशाल्लाह से थोड़ी सी चिकन थी तो उसे तीन बोटियाँ दो गोभी, वो गोभी नहीं सॉरी शलजम,
मुझे भूख लगने लगी है। गलत बोलिए, कोई चीज भी सही नहीं बोली। गाजर थी, आलू थी और दो तीन बोटियां थी वो बनाई है, सूखी मेथी डाली है, धनिया डाला है और इसको प्याज टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था, साथ चाय बनाई है। उसके बाद जो है ना ये पानी खुश हुआ है, घी डाला है, घी में हसन ने किया फ्राई। अब इसके बीच में घी भी नहीं है और आलू भी गल चुकी है, गाजर भी गल चुकी है और चिकन भी थी, बोटियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, ये चिकन की बोटियाँ हैं। बच्चे खाना नहीं खाते और असन जो है ना इंतज़ार में बैठा हुआ है कि मैं जो है ना चमचा दो मेरे को, मैं कर रहा हूँ चावल खा रहा हूँ। देखो हमने चावल बनाए थे तो रात के सालन और सुबह के नाश्ते के लिए मसला, मेरे मुँह में पानी आ गया, पानी ना आए। तो चले जी, ये आज की हमारी वीडियो थी, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।